12,000 रुपए का आपका बजट है और इस 12,000 रुपए के बजट में अगर आप लेना चाहते हैं एक जबरदस्त फोन और इस बजट को इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे कि आप 10,000 रुपए लगाना चाहते हैं तो 10,000 रुपए ना लगाकर 12,000 रुपए लगाएं, तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक अच्छा बेस्ट फोन आप लोगों को मिल सकता है। बहुत सारे लोग 10,000 से 12,000 रुपए की कीमत में एक अच्छा सा फोन खरीदना चाहते हैं और यहाँ पर जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो वो पूरी रिसर्च के साथ होता है कि आपको 12,000 रुपए की कीमत में कौन सा सबसे बेस्ट फ़ोन आप लोगों के लिए रहेगा, किस में सबसे अच्छा प्रोसेसर आपके लिए रहेगा, किस में रैम ज़्यादा आप लोगों को मिल रही है, इंटरनल स्टोरेज सबसे ज़्यादा आपको किस में मिल रहा है और किस में आपके लिए सबसे अच्छी डिस्प्ले है, किस में आपके लिए अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस है और किस में आपके लिए बैटरी अच्छी मिल रही है। तो ये सारी रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है। तो अगर आप एक बेस्ट फ़ोन लेते हैं तो आप ज़रूर एक अच्छा फ़ोन लेंगे। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप एक बेस्ट फ़ोन लें। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चार फ़ोन। तो चार फोन्स में से सबसे बेस्ट फ़ोन जो होगा वो पहले नंबर पे होगा, चौथे नंबर से स्टार्ट करेंगे। चौथे नंबर में जो फ़ोन है वो कुछ कारणों की वजह से उसको मैंने चौथे नंबर पे रखा है। तो चौथा फ़ोन हमारा निकल कर आता है मोटोरोला की तरफ से G9, जो कि हमारा एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है 12,000 रुपए की कीमत में। जो 10,000 रुपए की कीमत में फ़ोन होंगे उनसे ये बेटर फ़ोन है, उनसे ये अच्छा फ़ोन है, उनसे ये ज़बरदस्त फ़ोन है। चलिए जानते हैं इस फ़ोन के स्पेक्स और प्राइस। मोटो G9 की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2 GHz का आप लोगों को स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है, जिससे कि आप गेमिंग वगैरह बहुत ही आराम से कर सकते हैं, जिसमें आपको 4GB रैम मिलती है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिसको आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर बात करें इस फ़ोन में तो आप लोगों को एक अच्छी सी डिस्प्ले मिल जाती है, एक बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, 6.8 इंचेस की एक ह्यूज एंड बड़ी डिस्प्ले मिलती है जो कि IPS LCD होती है। इस फ़ोन में आप लोगों को जो डिस्प्ले मिलती है वो पंच होल डिस्प्ले मिलती है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर पंच होल डिस्प्ले मिलती है, यानी कि आप लोगों को इसमें लेफ्ट कॉर्नर पर कैमरा देखने को मिलता है। एजेस बहुत ही पतले मिलते हैं, चिन हल्का सा मोटा मिलता है। फ़ोन देखने में फ्रंट और बैक से ऑसम आप लोगों को लगने वाला है। बैक में आप लोगों को ग्रेडियंट लुक मिलने वाला है, जहाँ पर आप लोगों को प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलने वाली है। जहाँ पर अगर बात करें कैमरे की तो आप लोगों को 64+2+2 मेगापिक्सल का आप लोगों को ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ, जहाँ पर फ्रंट में आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब मिलती है। वहीं पर अगर बात करें बैटरी की तो आप लोगों को इस फ़ोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी आप लोगों को देखने को मिलती है, टर्बो चार्जिंग पावर का ऑप्शन मिलता है आप लोगों को, साथ ही साथ आप लोगों को इस फ़ोन में USB Type-C पोर्ट मिल जाता है। तो देखा जाए तो फ़ोन बहुत ही ऑसम निकल कर आता है। वहीं पर अगर देखें तो इस फ़ोन में जो प्राइस आप लोगों को मिलती है वो Flipkart पर मिलती है 11,999 रुपये, यानी कि 12,000 रुपये की कीमत में आप इस फ़ोन को बाय कर पाते हैं। वहीं पर अगर आप इसको Amazon वगैरह पर बाय करते हैं तो इस फ़ोन आप लोगों को 12,000 से ऊपर थोड़ा कॉस्ट कर सकता है, क्योंकि Amazon जो है वो इन फ़ोन्स को स्पॉन्सर नहीं करता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग जो अदर बायर जो अदर सेलर होते हैं वो इसको बेचते हैं और पैसे बढ़ाकर बेचते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा महंगा बिकता है Amazon वगैरह पर। और ये जो प्राइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये INR है, यानी कि इंडियन प्राइस है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पाकिस्तानी प्राइस जो है वो गलत है, यानी कि उनको लगता है कि ये पाकिस्तान के प्राइस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडियन प्राइस है और इंडिया की वीडियो है। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और अगर कोई भी फ़ोन लेना चाहते हैं इस वीडियो के मुताबिक, अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप इन फ़ोन्स के जो प्राइस उनको डबल कर सकते हैं, उस डबल प्राइस में आपको फ़ोन मिल जाएगा। लिंक भी आपको इन फ़ोन्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से इन फ़ोन्स को भी बाय कर पाएंगे। अब बात करेंगे यहां पर अपने तीसरे फ़ोन की। तीसरा फ़ोन हमारा आता है इन्फिनिक्स की तरफ से Hot 10। इन्फिनिक्स का Hot 10 एक बहुत ही ऑसम फ़ोन है। इस फ़ोन में भी आप लोगों को अच्छी स्पेक्स, अच्छी बैटरी लाइफ और ज़बरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाती है। फ़ोन को तीसरे नंबर पर रखने की कुछ वजहें हैं जिसको मैं आपके आगे क्लियर करता हूँ। चलिए जानते हैं इस फ़ोन के स्पेक्स और प्राइस। इन्फिनिक्स Hot 10 की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2 GHz का आप लोगों को MediaTek Helio G70 प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस फ़ोन में आप लोगों को 6GB रैम मिलती है और 128GB का इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को फ़ोन में देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें डिस्प्ले की तो आप लोगों को 6.78 इंचेस की आप लोगों को HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी डिस्प्ले निकल कर आती है। इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले मिलती है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर कैमरा आप लोगों को देखने को मिलता है, चिन बहुत ही पतले मिलते हैं इस फ़ोन में, एजेस भी बहुत ही पतले मिलते हैं, यानी कि फुल व्यू डिस्प्ले एक तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें चिन बहुत ही पतला आप लोगों को मिलता है। ये डिस्प्ले आप लोगों को HD+ होती है, IPS LCD, जो कि फुल HD नहीं होती है।
यही कारण है जिसकी वजह से मैंने इसको तीसरे नंबर पर रखा है। कैमरे की अगर बात करें तो 16+2+2 मेगापिक्सल का आप लोगों को ट्रिपल कैमरा मिलता है क्वाड एलईडी फ्लैश के साथ, जहां पर आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक डिसेंट क्वालिटी मिल जाती है। वहीं पर अगर बात करें बैटरी की तो आप लोगों को 5200 mAh की यानी कि 5200 mAh की बैटरी आप लोगों को मिलती है, जो आराम से एक डेढ़ दिन दो दिन चल जाती है आपके यूसेज के हिसाब से। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी आप लोगों को मिल जाता है। वहीं पर अगर बात करें इस फोन के प्राइस की तो आप लोगों को फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों ही पर 12,000 रुपए की कीमत में मिल जाता है। फोन दोनों ही बहुत ही अच्छे निकल कर आते हैं। वहीं पर ये फोन कुछ ज्यादा ही अच्छा निकल कर आता है, क्योंकि इसमें आपको 6GB रैम मिल रही है और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज बन जाती है। अब बात करेंगे यहाँ पर अपने दूसरे फोन की। दूसरा फोन जो है वो भी एक अच्छा फोन है और ये हमारा निकल कर आता है रियलमी की तरफ से, जो कि है रियलमी नार्जो 20। रियलमी नार्जो 20 की अगर बात करें तो इस फोन में आप लोगों को कमाल की स्पेक्स मिल जाती है और फोन देखने में भी आप लोगों को ऑसम लगता है। जहाँ पर अगर देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छा फोन है, इसलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पर रखा है। चलिए जानते हैं इस फोन की स्पेक्स और प्राइस। परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टा कोर 2 GHz का आप लोगों को मीराडेक हीलियो G85 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 4GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आप लोगों को ये फोन मिलता है। वहीं पर अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले की तो आप लोगों को HD+ डिस्प्ले मिलती है, जो कि 6.5 इंचेस की होती है, जहां पर आप लोगों को एजेस और चिन बहुत ही पतले मिलते हैं। वहीं पर आप लोगों को वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले इस फोन में देखने को मिलती है। देखा जाए तो फोन देखने में बहुत ही ऑसम लुक वाइज लगता है फ्रंट और बैक से। बात करें अगर कैमरे की तो आप लोगों को इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। यहाँ पर ट्रिपल कैमरा आप लोगों को देखने को मिलता है एलईडी फ्लैश के साथ और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बात करें अगर बैटरी की तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाती है, क्विक चार्जिंग का सपोर्ट और यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। फोन देखने में बहुत ही ऑसम लगता है। जहां पर अगर बात करें इस फोन के प्राइस की तो ये फोन आप लोगों को मिलता है 11,499 रुपए की कीमत में फ्लिपकार्ट पर, और अमेजोन पर आपको 12,199 रुपए की कीमत में देखने को मिल सकता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अब बात करेंगे यहाँ पर अपने पहले फोन की। पहला फोन हमारा जो निकल कर आता है वो रेडमी की तरफ से निकल कर आता है, यानी कि रेडमी के सब ब्रांड पोको। पोको का M2 बहुत ही ज़बरदस्त फोन है और इस फोन में आप लोगों को कमाल के स्पेक्स मिल जाती है। यह है पोको का M2 Pro। अगर आप इस फोन को बाय करते हैं तो इस फोन में आप लोगों को अच्छी स्पेक्स, अच्छी परफॉर्मेंस और एक बजट लेवल का जबरदस्त फोन निकल कर आता है। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। पोको M2 Pro की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में आप लोगों को ऑक्टा कोर 2.3 GHz का स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर मिलता है, जो कि इन सब प्रोसेसर्स के जो मैंने आप लोगों को लास्ट में बताए उनसे सबसे बेटर प्रोसेसर आप लोगों को इस फोन में मिलता है, जो कि एक बहुत ही दमदार पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है। यहाँ पर 4GB रैम मिलती है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिसको आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें डिस्प्ले की तो 6.67 इंचेस की आप लोगों को फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है इस फोन में, और ह्यूज एंड बड़ी डिस्प्ले मिलती है, एजेस और चिन बहुत ही पतले मिलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले देखने में बहुत ही ऑसम लगती है, ब्राइट एंड किस, और फोन देखने में बहुत ही ऑसम लगता है। डॉट नॉच डिस्प्ले मिलती है, बैक से भी देखने में फोन बहुत ही ऑसम लगता है, जहाँ पर 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। फोन में अगर देखा जाए तो आप लोगों को कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब मिलती है, 48+8+5+2 मेगापिक्सल का आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है एलईडी फ्लैश के साथ, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब निकल कर आती है। वहीं पर अगर बात करें बैटरी की तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और USB टाइप सी पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। फोन में आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर, स्प्लैश प्रूफ आप लोगों को फोन मिल जाता है, जहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन भी मिल जाता है। फोन के प्राइस जो है वो घट चुके हैं, इसलिए ये फोन आप लोगों को 12,000 रुपए की कीमत में मिल रहा है। वैसे ये फोन लॉन्च हुआ था हमारा 14,000 और 15,000 रुपए की रेंज में, लेकिन अभी ये फोन आप लोगों को 12,000 रुपए की कीमत में मिल रहा है। तो ये फोन बहुत ही ऑसम निकल कर आता है। ये चारों फोन में सबसे बेस्ट फोन पोको M2 Pro है। और यहाँ पर अगर आप और कोई फोन के साथ जाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी माने तो आप पोको M2 Pro के साथ जा सकते हैं, नो डाउट, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। अब आप लोगों को इन चारों फोन्स में से कौन सा सबसे बेस्ट लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा उन लोगों के साथ जो एक बेस्ट फ़ोन लेना चाहते हैं अंडर 12,000 की रेंज में। इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। सारी वीडियोज़ इसी तरह के रिसर्च के साथ आप लोगों के लिए शेयर की जाती हैं।
चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर एंड जय।